पुलिस अधीक्षक बिजनौर दिनेश सिंह द्वारा मिशन नया सवेरा अभियान के तहत जो युवा नशे में डूबे हुए हैं उनको नया जीवन नशा मुक्ति के रूप में देने का प्रयास से लगातार नशा छोड़ो अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके तहत बृहस्पतिवार को एसपी बिजनौर दिनेश सिंह ने शेरकोट चुंगी नंबर 5 पर स्थित ऑल सेंट स्कूल में नया सवेरा अभियान के तहत एक कार्यक्रम में छात्र छात्राओं व संभ्रांत व्यक्ति को संबोधित करते हुए बताया कि नशा हमारी जिंदगी को नष्ट कर देता है जो कि एक परिवार की खुशियां छीन लेता है। एसपी ने बताया कि आजकल के युवा नशे में धुत होकर वाहन चलाते हैं के कारण दुर्घटना हो जाती है और वह अपनी जिंदगी के साथ हाथ धो बैठते हैं। इसलिए ही मिशन नया सवेरा अभियान तहत लगातार अवैध नशीला पदार्थ बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसमें ने कहा कि आज की नई पीढ़ी में जो नशे की लत लगी हुई है उसको दूर करना बेहद जरूरी है और यह चिंता का विषय भी है। इसी क्रम में एसपी दिनेश सिंह ने कार्यक्रम में नशा छोड़ो की अपील की। इस दौरान एसपी दिनेश सिंह को नगर के संभ्रांत व्यक्तियों ने शाल ओढ़ाकर उनके इस कार्य को बढ़ावा देते हुए बधाई पेश की। वहीं शेरकोट के 3 युवा जो कि नशे में पूरी तरह से लिप्त हो चुके थे उनको एसपी दिनेश सिंह द्वारा बिजनौर नशा मुक्ति केंद्र ले जाकर उनका नया जीवन प्रदान किया जिनको आज एसपी ने ही गुलदस्ते देकर उनको सम्मानित किया। कितने लोगों को आपने उसका छुटकारा दिलाया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे जनपद में विगत 5 महीनों से नया सवेरा अभियान चल रहा है जिसको कि मैं कहूंगा एक होलिस्टिक अभियान है। 360 डिग्री पर हम काम करते हैं। एक तरफ नशा बेचने वालों पर कुठाराघात, जिस क्रम में मैं कहूंगा कि मेरे जनपद में बहुत अधिक सफलताएं अर्जित की गई। दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो भटक गए उन्हें वापस मुख्य धारा में लाना। इस समय करीब 16 बच्चे विभिन्न नशा मुक्ति केंद्रों में मेरे इस समय आत्मसंघर्ष कर रहे हैं। मैं इन्हें आत्ममुक्ति संग्रामी कहता हूं और मेरे ये 120 दिन की कठोर साधना के बाद ये 3 बच्चे आज मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर इन पर कृपा करेगा और ये लोग अपने जीवन को नशे की गिरफ्त से बहुत दूर निकलने के बाद पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा करते हुए अपना जीवन जियेंगे और समाज के सामने एक मानदंड स्थापित करेंगे और ऐसे बच्चे जो अभी भटके हैं और छटपटा रहे हैं वापस लौटने के लिए उनके लिए प्रेरणा बनेंगे और मैं निश्चित रूप से उनके लिए भी हमारा पूरा समाज हम सब मिलकर के कार्रवाई करेंगे। और नया सवेरा अभियान का जो दूसरा पहलू है कि बच्चों को वापस जो भटके बच्चे हैं उनको मुख्यधारा में वापस लाना, उसमें हम सफलता करेंगे। शेरकोट के और भी बच्चे हैं इन 3 के अलावा? शेरकोट के ये 3 ही थे, अन्य कस्बों के हैं। और अभी मुझे आप सबसे भी अपेक्षा और आपके माध्यम से सबसे अपेक्षा है जो जहां है वो इस अभियान में अपना योगदान दे और मुझे सूचना दे, हम उनके घर उनके परिजनों की तरह उनसे मिल करके पूरा प्रयास करेंगे कि वो बच्चे मुख्य धारा में वापस। नशे का कारोबार करने वालों के लिए क्या संदेश? नशे के कारोबार करने वालों को एक ही संदेश है कि उनकी कोई खैर नहीं है और वो कहीं भी होंगे मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, विधान और कानून उनको छोड़ेगा। थैंक यू सर।